बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर का ट्रीटमेंट बेहद खास तरीके से चल रहा है लखनऊ के अस्पताल में। और इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, 5 बार कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद कनिका की हालत पर अस्पताल के डॉक्टर्स का क्या कहना है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कनिका कपूर का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है। मिली जानकारी की माने तो उनके ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए आधा दर्जन से ज़्यादा नर्स हैं जो लगातार कनिका के साथ रहती हैं। हॉस्पिटल में उन्हें काफ़ी स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं। बता दें आपको, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में कनिका एडमिट हैं, जहां बेहद खास तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डॉक्टर्स कनिका के खाने पीने का, उनकी तबीयत का लगातार ख्याल रख रहे हैं। लेकिन 5 बार लगातार उनकी जो कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, इसी को लेकर सवाल जब अस्पताल के डॉक्टर से किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि कनिका में बीमारी के कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्हें किसी तरह का बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, दर्द नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स लगातार पॉजिटिव आ रही हैं। अभी डॉक्टर्स यही जानने में लगे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के पीछे का कारण क्या है। बताते चलें आपको, कनिका कपूर की जब तक लगातार 2 टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव नहीं आएंगी, डॉक्टर्स उन्हें डिस्चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।